नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाइथन और किंग कोबरा की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो आइए सबसे पहले दोनों स्नेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों लेंथ और वेट की। रेटिकुलेटेड पाइथन की लेंथ 10 से 21 फीट तक और वेट 75 से 80 केजी तक हो सकती है। ये दर्शाता है कि पाइथन का मसल मास कितना ज़्यादा है और उसकी जकड़ में कितनी पावर हो सकती है। वहीं किंग कोबरा का लेंथ 13 से 18 फीट तक और वेट 6 से 9 केजी तक होता है इन जनरल। मूवमेंट स्पीड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पाइथन बहुत ही स्लोली मूव करता है, वहीं किंग कोबरा काफ़ी एजाइल और फास्टर है। अब बात कर लेते हैं किलिंग स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों पाइथन और किंग कोबरा का किलिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल ही अलग है। पाइथन किल्स बाय स्ट्रैंगुलेशन। पाइथन अपनी पकड़ या कुंडली में शिकार को लपेट लेता है और जैसे ही वो सांस छोड़ता है उसे और कस के पकड़ता है। इस तरह शिकार का दम घुटने लग जाता है और हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है पाइथन की मजबूत पकड़ के अगेंस्ट में, और आखिरकार शिकार दम तोड़ देता है। वहीं किंग कोबरा किल्स बाय वेनम। किंग कोबरा का जहर यानी कि वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके एक बाइट से एक एडल्ट हाथी या 20 फुल ग्रोन इंसान मर सकते हैं। किंग का जहर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है जिससे इंसान पैरालाइज हो जाता है और आखिरकार पेन और दर्द में मर जाता है। तो दोस्तों फाइनल क्वेश्चन यही है कि आखिर जीतेगा कौन। इसके तीन सिनेरियो हो सकते हैं। सिनेरियो 1, पाइथन इज स्टडी। कोबरा अपने प्रे को उसके मूवमेंट से भापता है फिर अटैक करके मार देता है। अगर पाइथन स्टडी रहे तो कोबरा उसे मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएगा, और वहीं पाइथन अपने हीट सेंसर्स से आसानी से कोबरा को डिटेक्ट करके पहले अटैक कर कुंडली में जगड़ के मार देगा। यहाँ रिजल्ट होता है पाइथन विंस। सिनेरियो 2, पाइथन इज मूविंग। इस केस में किंग कोबरा पहले डिटेक्ट कर लेगा पाइथन को, और चूंकि किंग फास्टर और एजाइल है पाइथन के मुकाबले, किंग पहले अटैक करके जहर डाल देगा और पाइथन मर जाएगा। इसका रिजल्ट हुआ किंग कोबरा विंस। और एक तीसरा सिनेरियो जो कि मोस्ट लाइकली है, जहां पाइथन और किंग कोबरा एक दूसरे को एक साथ ही देख लेते हैं और साइमल्टेनियसली अटैक कर देते हैं। इस केस में किंग कोबरा पाइथन को काट लेगा और जब तक उसका जहर असर करेगा तब तक पाइथन अपनी कुंडली में जकड़ लेगा किंग कोबरा को और उसे दबा करके दम घोट करके मार देगा, और आखिरकार किंग कोबरा के जहर के असर से वो खुद भी मर जाएगा। ऐसा एक केस हुआ भी है जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा पाइथन और किंग कोबरा की लड़ाई में, नीचे कमेंट में लिख करके बताइए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।